दोस्तों हम लोग इस पाइप में यहाँ से लेकर और यहाँ तक माफ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, लाइक कैसे मान लीजिए हम लोग इसका मेजर कर रहे हैं ऐसे बाहर बाहर, ठीक है, इसके आउटसाइड से इसके आउटसाइड से, तो 110 mm आ रहा है, मतलब ये हो गया आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग ओडी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से अंदर से और अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, ठीक है, मेज़र करेंगे, अंदर से अंदर की तरफ मेज़र करेंगे, तो जो हम लोग को डायमेंशन प्राप्त होगा वो हो गया आईडी, ठीक है। और इसी चीज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेज़र अगर हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसका थिकनेस, ठीक है, इसको हम लोग थिकनेस बोलते हैं, वाल थिकनेस बोलते हैं, ठीक है, केवल थिकनेस नहीं, वाल थिकनेस इसको हम लोग बोलेंगे, राइट। देन अगर इस पाइप को, ठीक है, अगर हम रेडियस में अगर मेज़र करते हैं, ठीक है, आउटसाइड पूरा ऐसा बाहर बाहर रेडियस में अगर इसको मेज़र करते हैं, जो मेजरमेंट हम लोग को प्राप्त होगा उसको हम लोग सीएफ बोलते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, किसी भी पाइप को अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या किसी भी लेंथ का पाइप हो, जरूरी नहीं यही हो, ठीक है, उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। अभी देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, 12 इंच से पहले और 12 इंच के बाद का जो मेजरमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। 12 इंच तक का जो ओडी होता है, ठीक है, और जो एनपीएस हम लोग बोलते हैं इसको, नॉमिनल पाइप साइज जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो 12 इंच तक दूसरा होता है और 12 इंच के बाद का जो होता है वो दूसरा हो जाता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट हो जाता है, ओके। तो एनपीएस में क्या होता है, देखिए 12 इंच से पहले का जो एनपीएस होता है, ठीक है, 12 इंच तक का अगर पाइप है हम लोग के पास, अगर उसका एनपीएस हम लोग को चेक करना है, तो इसका जो वॉल का जो थिकनेस का जो सेंटर मिलेगा, मान लीजिए ये सेंटर अगर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके जो इसके सामने का जो हाफ सेंटर होगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मेज़र करेंगे हम लोग, तो हम लोग का वॉल एनपीएस जो होता है वो प्राप्त होगा 12 इंच से पहले अगर पाइप छोटा है तो, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना हम लोग 6 इंच का पाइप है, तो 6 इंच कैसे क्लियर होगा, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक मेजर करेंगे तो 6 इंच होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इंच में इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो 4 इंच ऐसे देखिए अभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है, बट ये 4 इंच का पाइप है, तो अगर हम लोग इसको सेंटर टू सेंटर चेक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, पीवीसी पाइप इसलिए क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, स्टैंडर्ड पाइप में चेक करेंगे सेंटर से सेंटर, तब जाके आपका इंच आपको मिल जाएगा, ठीक है, कितने इंच का पाइप है ये चीज़ क्लियर होगा, 12 इंच से छोटा है तो। बट 14 इंच से स्टार्टिंग एटलीस्ट जहाँ तक पाइप का साइज आता है, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, वहाँ से आपको चेक करना है, तो वही चीज़ आपको यहाँ से ओडी और एनपीएस बराबर हो जाता है, ठीक है। ओडी बोले तो एमएम में आ जाएगा और एनपीएस होता है जो इंच में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमको यहाँ से और यहाँ तक का एनपीएस अगर हमको 14 इंच का पाइप का जानना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई भी करके जान सकते हैं, जैसे 14 × 25.4, ठीक है, एमएम से डिवाइड कर लेंगे तो जितना एमएम आएगा उतना हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो 14 इंच हम लोग मेजर करेंगे बाहर से बाहर तक, ठीक है, तो भी 14 इंच आएगा, या हम लोग उसको एमएम में कन्वर्ट करना तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम ही होता है, ओडी उसी को बोलते हैं भारी भारी को, आईडी अंदर अंदर वाले को हिस्सा बोलते हैं, और थिकनेस इसको बोलते हैं, और सीएफ भी सेम वही चीज़ होता है, ठीक है। डिफरेंट ये होता है कि जो एनपीएस का जो डायमेंशन हम लोग लेते हैं उसका डिफरेंट बस उतना ही होता है, दूसरा कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ओडी मिल जाए, आईडी आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ओडी मान लीजिए आपका इसका 100 मान लीजिए, जो भी किसी भी पाइप का अगर ओडी मान लीजिए, एक एग्जांपल के जो तौर पे ये अगर यहाँ से यहाँ तक 100 mm आ रहा है, अगर इसका थिकनेस आपका 3 mm है, ठीक है, तो इसका आईडी कितना हो जाएगा, आपको आईडी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थिकनेस अगर चेक कर लेंगे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चेक करने में, यहाँ से यहाँ तक चेक करने में आपको दो थिकनेस मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ तक, एक दूसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये दोनों थिकनेस को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100 mm है, तो इसका थिकनेस इसका 3 mm है, तो 3 mm प्लस 3 mm, ठीक है, 6 mm, अगर वो 100 से 6 mm आप माइनस करते हैं तो आपका 94 mm होता है, जो कि वो आईडी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसी चीज़ का आईडी निकाल सकते हैं, ठीक है, या आपको आईडी
ओडी मिल गया तो ओडी भी आप निकाल सकते हैं थिकनेस के तौर पे, ठीक है, ये चीज़ होगा। सीएफ आपको निकालने के लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है ओडी, ओडी जितना है ओडी इंटू 3.142 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो भी सीएफ है उसका सीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थिकनेस तो आप समझ ही सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप माप कर सकते हैं सीएफ का, सॉरी थिकनेस का मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ कि शेड्यूल जिसको बोला जाता है पाइप के हिसाब से शेड्यूल उसका थिकनेस बनता है, ठीक है। तो आप वैसे आप या तो नाप कर जान जाएं या शेड्यूल के हिसाब से आप थिकनेस भी निकाल सकते हैं। तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उसको मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको आप मेरे चैनल पर जाएंगे देखेंगे तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कि शेड्यूल से आपको थिकनेस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं सही जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।